राजस्थानी बूट हाउस, यहाँ पे अच्छा कलेक्शन है जूतों का। मैं मतलब मेरे लिए जो भी कभी भी जूती वगैरह, सैंडल, जूती, चप्पल कुछ भी लेती हूँ वो सब इन्हीं भैया से लेती हूँ। मुझे यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी जूतियाँ और सैंडल मिल जाएगी मुझे। ये ब्लैक वाली जो अभी मेरे पहनी हुई है मुझे बहुत अच्छी लगी, ये मुझे एक बार फर्स्ट में देखते ही पसंद आ गई, फिर मैंने ये ली। और काफ़ी जूते भी लेने थे नीतू के और बोसा के और मम्मी के, दादी सा के, काफ़ी लेने थे। तो फिर हमने यहाँ कुछ जूते देखे, मुझे तो बस यही पसंद आए तो फिर मैंने ये ले लिया। और एक चप्पल मैंने मतलब डेली रूटीन के लिए भी पसंद की, ये तो बस ऐसे मुझे पसंद नहीं है, बस ऐसे देख रही थी। और काफ़ी ऐसी चप्पल देखी बाकी बहुत अच्छी अच्छी थी। फिर मैंने अभी तो हमने दो ही चप्पल ली, एक मेरे लिए और एक नीतू के लिए। फिर कभी और कोई अच्छी मिली तो फिर दादी सा के लिए और मम्मी के लिए भी लेनी है। तो ये कलेक्शन है जूतों का, काफ़ी अच्छा कलेक्शन है। मैं हर बार उन्हीं से लेती हूँ, कभी भी इनके जस्ट पास में ही एक और दुकान है इन भैया की है, जो मतलब बॉयज़ के कपड़े रखते हैं वहाँ पे। ये मैंने चप्पल नीतू के लिए ली जो डेली रूटीन में पहन सके, मतलब टिकाऊ, माना तो सस्ती और टिकाऊ। सस्ती तो क्या, फिर जो अच्छी क्वालिटी की लेंगे तो फिर महंगी होंगी। तो ये मैंने नीतू के लिए ली। और मेरा टांग पीरियड नहीं है वाला अलग आई। ये कपड़ों की दुकान है जहाँ पे जेंट्स के कपड़े मिलते हैं, यहाँ से भी एक दो बार कपड़े लिए। ये है उनका कार्ड दुकान का।